तो आज मैं आप लोगों को मानव की एक दुख भरी कहानी सुना रहा हूँ, जो कि आप भी सुनकर के आश्चर्य हो जाएंगे कि अब मानव का जीवन ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। और ये जो आप देख रहे हैं ना, अब मानव ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे इस पृथ्वी पर, ये पृथ्वी बहुत ही जल्दी नष्ट होने वाली है। अब आप कहिएगा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप खुद ही देख लीजिए कि अब जो है आप लोग देख ही रहे होंगे इस बार कुछ दिन पहले, अभी तो वर्षा ऋतु चल रहा है, इसके पहले था ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में आपने देखा कि इस बार जो टेम्परेचर था वो लगभग बिहार में 48 डिग्री के पार हो गया था पारा, ठीक है। तो 48 डिग्री इस बार पार हो गया, आप सोचिए कि क्या हालत होने वाला है मनुष्य का। और अभी तो 48 डिग्री हो रहे हैं, धीरे धीरे 50 होगा, 55 होगा, और ये ज़्यादा दिन नहीं, जान लीजिए 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के अंदर ही, ठीक है। आप अभी देख लीजिए वर्षा का क्या हालत है, मैं आपको बता दूं, प्राकृतिक के साथ हम लोग इतना छेड़छाड़ कर चुके हैं कि वर्षा, आज आपको बता दें कि 1 किलोमीटर पर वर्षा होता है, दूसरा किलोमीटर पर जाइएगा तो वर्षा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये अगर मान लीजिए बिहार का एक भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में देखिएगा कम से कम 20 जगह वर्षा होगा और बहुत जगह वर्षा नहीं होगा। एक शहर क्या, एक दो गाँव में देखिएगा तो उस गाँव में वर्षा होता है, तो उस गाँव में वर्षा नहीं होता, ये होगी आजकल। पहले क्या, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बहुत ही कम ऐसा देखने के लिए मिलता था, लेकिन अभी देखिए क्या हो रहा है, इधर वर्षा हो रहा है, इधर वर्षा नहीं हो रहा है, ठीक। आज आपको बता दूँ कि देखिए वर्षा के वजह से बहुत सारा फसल नहीं हुआ आज। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उधर कैमरा में, ये इधर देखिए, अभी धान का खेती देखिए इधर किसी तरह से, इसमें जो है बोरिंग वोरिंग का पानी देकर के इस खेती को किया गया है, इसमें धान का रोपाई किया गया है, और ये अब इसमें पानी नहीं है बताइए, और वर्षा नहीं हो रही है, तो इससे क्या होने वाला है बताइए। मतलब कहिए तो यूँ कहिए, प्राकृतिक के साथ मानव इतना छेड़छाड़ कर चुका है कि आज देखिए फसल नहीं होगा, पानी का लेयर नीचे जा रहा है, गांव में आप पानी नहीं मिल रहा है, तो क्या मानव बचेंगे बताइए, ये अभी ये स्थिति है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण और भी पेश करता हूँ, आइए मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। एक चपा नल है हमारे पास, ठीक है, चपा कल जिसको बोलते हैं, गांव घर में नल भी बोला जाता है उसको, तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं एक चपा नल के पास, और उसका कंडीशन हम आपको दिखाते हैं कि उसका क्या कंडीशन है। तो थोड़ा सा आइए यहाँ पर, और ये ज़्यादा दिन का नहीं है, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, आइए मेरे साथ, तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, और आपको बता दें कि इसका देखिए अभी पेंट कैसा है, समझ रहे हैं। तो ये ज़्यादा दिन का नहीं है, आज से लगभग 8-10 साल पहले ये चल ही रहा था, ठीक है, और इससे हम लोग पानी पीते थे, और आज देखिए ये स्थिति है। अब सोचिए कि 10 साल के अंदर इतना कुछ बदल गया कि आज हमको पानी नहीं मिल रहा है, अब इसको आज चलाइएगा तो चलेगा क्या, पानी देगा ये बताइए, पानी नहीं देगा ये, ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे गाँव में लगभग क्या कहते हैं, गाँव में हर एक घर में ये चपा नल था, चपा कल था, लेकिन आज नहीं है, सोचिए अब क्या ही बोले। तो ये सब तो एक आम समस्या है, अब मानव बचेंगे ही नहीं मुझे ऐसा लग रहा है, और इसका सोल्यूशन क्या है मैं वो चीज़ आपको बताऊंगा कि आखिर क्या कर सकते हैं। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, मात्र और मात्र कि पेड़ की कटाई आप लोग कम करें और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, तभी हम लोग अब बच सकते हैं, ठीक है ना। बचने का एक ही उपाय है और कोई उपाय नहीं है, जितने मतलब थोड़ा थोड़ा सा अपना खुशी के लिए, अब जहाँ पर मान लीजिए 1 महल बनेगा वहाँ पर 10-20 पेड़ कट रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे में क्या होगा बताइए। इसलिए एक ही उपाय है कि पेड़ लगाइए। मैं आपको बता दूँ कि मनुष्य को जीने के लिए अगर सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है तो वो है ऑक्सीजन। आपको अगर खाना नहीं दिया जाए, पानी नहीं दिया जाए, तो आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जिंदा रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको ऑक्सीजन 1 मिनट नहीं मिलेगा तो आप मर जाइएगा, समझ रहे हैं। इसलिए सबसे जरूरी है ऑक्सीजन, जो कि हमें पेड़ देता है। देखिए छोटा सा पेड़ है, आप देख पा रहे हैं कितना छोटा सा पेड़ है, और भी उधर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अब तो गाँव घर में भी पेड़ का कमी हो गया है, शहर की तो हम बात दूर है, शहर अब गाँव में भी देखिएगा घर बना रहा है लोग पेड़ काट कर करके, बताइए रोड बना रहा है पेड़ काट करके, जो है क्या बोलते हैं मतलब पेड़ को रहने ही नहीं दिया जा रहा है, बताइए अब क्या होगा, ठीक है। तो ये सृष्टि जो है धीरे धीरे जो है मृत्यु की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। अब मानव ज़्यादा दिन नहीं बचने वाले हैं, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए अगर आपको मतलब एक क्या कहते हैं, अगर अगला पीढ़ी आप सोचते हैं कि अच्छा से चले, अच्छा से बचे, तो ज़रूर पेड़ लगाइए। और आपको मैं बता दूँ, कुछ दिन पहले नहीं, हाल फिलहाल में एक लेडी वायरल हुई थी, आपने देखा था, जो कह रही थी कैमरे के सामने आकर के, मेरे पास 25 बच्चे हैं, और शादी का भी उनका 25 साल नहीं हुआ था। वो आप देख रहे थे कितना ज़्यादा वायरल चल रही थी महिला, और जब उनको पूछा गया 25 बच्चे को दिखाइए, पहले तो 10-15 दिन 1 महीना तक वायरलें चली हुई, ठीक है, उसके बाद जब दिखाया उन्होंने तो 25 को पेड़ को दिखा दिया, बताइए तो क्या कहिएगा इसके बारे में, ठीक है ना। तो पेड़ लगाना बहुत ही जरूरी है, और आज अगर पेड़ नहीं लगेंगे तो फिर ये देख ही रहे हैं, आपको भी मैं जस्ट चपा कल दिखाया, ठीक है, तो चपा कल दिखाया अभी जस्ट आपको वीडियो में कि चपा कल 10 साल पहले चल रहा था और अभी नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये ज़्यादा दिन सृष्टि टिकने वाली नहीं है अगर हम लोग ऐसे ही लापरवाही करते रहे, ठीक है। इसीलिए प्लीज़ आप लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, हर जगह पेड़ लगाइए, तभी कुछ होने वाला है, क्योंकि पल पल हमको जिंदा रखने वाला एक पेड़ ही है जो ऑक्सीजन दे रहा है। आज आपको बता दें कि जब कोरोना वायरस आया था लोगों को सिलेंडर मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, सोचिए, जो कि हमको मुफ्त में दे रहा है पेड़, अब सोचिए पेड़ पौधा, ठीक है। तो ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे इस वीडियो में, थोड़ा सा हम आए थे प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए, और मैं यहाँ पर वीडियो शूट करने के लिए नहीं आया था, ठीक है, एक्चुअल में मैं यहाँ पर आया था प्राकृतिक दृश्य को थोड़ा देखने के लिए। और आप लोग भी ज़रूर अगर घने जगह पर रहते हैं तो ज़रूर पेड़ पौधे के पास जाइए और ऑक्सीजन लीजिए, ठीक है। तो मैं आया था तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लिया जाए और लोगों को थोड़ा जागरूक किया जाए, बस यही मेरा मकसद था, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको आप लाइक भी कर सकते हैं, और थोड़ा बताइएगा कि ये मेरा प्रयास कैसा लगा, और आप कोशिश कीजिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके
उन तक पहुँचाएँ ताकि और भी लोग जागरूक हो सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।